आठ आदमी गाड़ी से कुचल सकते हैं, कॉकरोच नहीं मार सकते। और उस पीरियड में वो 31 दिन की जेल काट के आए थे और कई करोड़ रुपए जुर्माना भुगत के आए थे। उनका नाम है सलमान खान, वो कॉकरोच नहीं मार सकते। क्यों नहीं माफ़ी मांग रहे हैं सलमान खान? मैं अभी बता दो बहन जी, अगर उन्होंने माफ़ी मांगी सीधे अंदर, कानून है ना देश में, तो कोर्ट भी तो पूछेगी, लॉ भी तो पूछेगा, भाई तू किस बात की माफ़ी मांग रहा है? मेरा सवाल यह है कि सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं बिश्नोई समाज से? देखो नाक रगड़ के मांगनी चाहिए, पूछो क्यों। 3 बार 6-6 दिन वो जेल में रहे, अरे भाई तो सुन जाओ, 3 बार वो 6-6 दिन के लिए जेल में रहे, कोर्ट पागल है? उन्होंने अपराध तो करा है, अपराध करा है, कोर्ट से बेल पे बाहर आए, वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। अगर वो माफ़ी मांगेंगे तो कोर्ट पूछेगा भाई आप माफ़ी किस बात की मांग रहे हो, इसलिए वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। सलमान खान डरे हुए हैं लॉरेंस बिश्नोई से? डरे हुए नहीं है, वो कोर्ट से डरे हुए हैं। अगर उन्होंने माफ़ी मांगी कोर्ट अंदर कर देगी, लॉ से बाहर आए ना वो पैरोल पे, फिर अंदर चले जाएंगे, भाई तुमने माफ़ी, जब आपने अपराध कराई नहीं तो माफ़ी क्यों मांग रहे हो, आ जाओ अंदर। सेट प्लस सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं, बुलेट प्रूफ कार लाए हैं, दिखावा कुछ नहीं है। अरे सलमान खान, हाँ दिखावा है सब, लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो जो मित्र डरे हुए हैं। अच्छा, जो सलमान खान के पिता है सलीम खान, उनका कहना है कि सलमान खान तो एक कॉकरोच नहीं मार सकते, इंसान को क्या ही मारेंगे। 8 आदमी गाड़ी से कुचल सकते हैं, कॉकरोच नहीं मार सकते। और उस पीरियड में वो 31 दिन की जेल काट के आए थे और कई करोड़ रुपए जुर्माना भुगत के आए थे। उनका नाम है सलमान खान, वो कॉकरोच नहीं मार सकते। क्यों नहीं माफ़ी मांग रहे हैं सलमान खान? मैं अभी बता दो बहन जी, अगर उन्होंने माफ़ी मांगी सीधे अंदर, कानून है ना देश में, तो कोर्ट भी तो पूछेगी, लॉ भी तो पूछेगा, भाई तू किस बात की माफ़ी मांग रहा है? जब तू अपना अपराध करा ही नहीं, तो अपराध करा है और तूने प्रूफ करा हमारे को कि मैंने अपराध नहीं करा, तो आ जा फिर साइड में। भैया किस तरीके से देखते हैं? भैया बताइए क्या लगता है, 30 साल का लड़का लॉरेंस बिश्नोई से डर गए हैं क्या सलमान खान? देखो डरना की कोई भी नहीं, वो बैठा है ना, वो डर रहे, धमकी मिल रही है। और जो बाबा सिद्दीकी मरा है, जो भी मरा है, वो जो भी फिल्म में जो पैसा लगा था वो बाबा सिद्दीकी का लगा कर रहा था। और जो सलीम खान है, उनके बाप ने कहा है हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, अब वो माफ़ी मांग लेंगे तो वो उधर भी नहीं बचनेगा, अब उन्होंने माफ़ी मांग ली तो जेल में जाएगा, तो दोनों तरफ खतरे में है बाल। अब मंदिर में जाकर उन्होंने माफ़ी मांग ली ना तो बच कर ना का, और अगला नंबर है ना फारूक का होगा, ये बता रहा मैं आपको दीदी। सितारा होने का घमंड है सलमान खान को, इसलिए माफ़ी नहीं मांग रहे? देखो उसके बाप ने कहा माफ़ी मांग लिए, और उन्होंने माफ़ी मांग लिए तो जाएगा जेल में, उसके बाप ने रोक रखा उसको, और जिन दिन उन्होंने माफ़ी मांग ली वो जेल में जाएगा, उसके बाप ने रोक रखा उसको। भैया आप किस तरीके से देखते हैं, लॉरेंस बिश्नोई अभी काफ़ी चर्चा में है, सलमान खान को भी धमकी दी है, किस तरीके से देखते हैं? जी गलत है, सलमान खान की गलती है, माफ़ी मांग बिल्कुल मांगनी चाहिए। लेकिन इतना टाइम हो गया माफ़ी नहीं मांग रहे, जो बिश्नोई समाज है वो भी कह रहा है कि माफ़ी मांग ले, तो लॉरेंस बिश्नोई खुद ने कहा है कि हमारे समाज से हमारे मंदिर में जाके माफ़ी मांग ले तो हम उनको छोड़ देंगे। बिल्कुल जी माफ़ी मांगनी चाहिए, हम इसी चक्कर में। सेलिब्रिटी होने का घमंड है सलमान खान? जी हाँ है घमंड है उन्हें, कोई आम आदमी होता मुझसे कहता, मुझसे कोई गलती हो जाती मुझसे कहता माफ़ी मांग ले, मैं मांग लेता, जब बात खत्म हो रही है तो कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, माफ़ी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना, वो एक सेलिब्रिटी है इसलिए उनको केवल घमंड है। सलमान खान भी अभी डरे हुए हैं? मैडम डरे नहीं रहते तो 2 करोड़ की गाड़ी नहीं मंगा लेते। और जेड प्लस सिक्योरिटी ले? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, ये बताइए जो खुली आज़ादी से घूम रहे थे, साइकिल पे घूमते थे मुंबई में, आज क्यों नहीं चैन से घूम पा रहे हैं? ये बताइए केवल एक माफ़ी मांगने के चक्कर में आज उनसे सारे सेलिब्रिटी, सारा फिल्म इंडस्ट्री आज उनसे नाराज है, जो सारा फिल्म इंडस्ट्री उनको छोड़ रहा है, बताइए तो क्या होगा? अगर उनकी वजह से किसी और की जान चली जाती है तो बताइए इसमें किसकी गलती होगी, उन्हीं की गलती होगी ना। एक केवल माफ़ी तो मांगनी है, और माफ़ी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है। बुलेट प्रूफ कार अपने घर के नीचे से, पूरे घर उनकी सोसाइटी में 60 पुलिसकर्मी भी लगे हैं, काफ़ी सिक्योरिटी हाई कर रखी है, कहीं ना कहीं तो सलमान खान भी डरे हैं। मैडम डरे तो हैं ही हैं, मैडम डरे नहीं रहते तो फिर ऐसा करते क्यों, ये बताइए, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है सलमान खान, ये बताइए 8 लोगों को कुचल सकते हैं, उनके पिताजी कहते हैं मच्छर नहीं मार सकता मेरा, कॉकरोच नहीं मार सकते वो, ये बताइए 8 लोगों को कुचल देते हैं उसके चक्कर में जेल काटते हैं, देखिए कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी उसमें जेल काटते ही काटते हैं, ठीक है ना, किसी ना किसी उसमें, तो एक माफ़ी मांगने में उनको दिक्कत क्या हो रही है?
बिश्नोई समाज भी ये कह रहा आप आके माफ़ी मांग लीजिए, बात ही खत्म हो जाएगी। जो कि है लॉरेंस बिश्नोई को भी धमकी दे दी गई है, करनी सेना वाले हो गए और लोग हो गए, किस तरीके से देखते हैं लॉरेंस बिश्नोई डर जाएगी? मैडम देखिए, लॉरेंस बिश्नोई नहीं डरने वाला क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति बिल्कुल कट्टर है, ठीक है। और जो अपने धर्म के प्रति कट्टर है हम उसका साथ जरूर देंगे, ठीक है ना। हम ऐसे लोग का साथ नहीं देंगे कि जो एक स्टार होकर कर सोच रहा कि अगर मैं माफ़ी मांग लूँगा मैं झुक जाऊँगा तो मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, हम ऐसे लोग का साथ बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल। क्या भैया सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए? कोई माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। किसको? सलमान खान को नहीं। एक बताओ आप, ये कह रहे हैं कि हिरन मार दिया गया, अब हाकिम कहे जाए हिंदुओं को भी, एक बताओ जब हिंदू कह रहा है कि हिरन भगवान के माना जाता है, बकरा भी तो भगवान के माना जाता है, काली माँ के मंदिर का भक्त है, बकरी भी, बकरा जो कहते हैं कि बकरा जो काली माँ के मंदिर का है वो भी तो मंदिर का है, वो भी तो पूजा ही होता है, बकरा भी तो पूजा ही होता है, फिर उसे क्यों काट देते हैं? अगर माफ़ी मांग लेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे भाई कितने बार माफ़ी मांगेंगे, अभी तक एक बार भी नहीं मांगा। कोर्ट में तो मांग ही लिया, हर जगह तो मांग ही लिया है। तो ही समाज से सुनिए मैम, देखिए आज नया केस नहीं है, ये नया केस नहीं है, आज 15-20 साल से परी हो गया, 25 साल हो गया इस फिल्म का। हाँ फिल्म का नाम है हम साथ साथ है, वही फिल्म में मारा गया था हिरन। आप ये बताओ कि कहाँ देख लिया आपने कि सलमान खान ने माफ़ी मांगी? ये एक बात और है, ये फिल्म राजस्थान का शूटिंग है, पूरा राजस्थान की शूटिंग है, जयपुर में उदयपुर में मारा गया था, ये बगैर तो थाना में लोगों को मारा, सलमान खान ने 8 लोगों को मारा, हिरन को मारा, तो क्या सही किया? अरे तो वो हिरन तो 8 लोगों को गलती किया मार के, वो तो पीने के चूहे में गाय चला दिया था उस समय, गाय चला रहा था पीने के चूहे में चलाया था, हाँ तो गलती उनमें है, माफ़ी मांगी थी। हाँ उनके लिए माफ़ी मांगना पड़ेगा, हाँ जो स्टैंड किया है उसके लिए माफ़ी मांगना पड़ेगा, लेकिन बाकी के लिए माफ़ी नहीं मांगना पड़ेगा। तो सलमान खान को धमकी दी गई है, जानवर सलमान खान नील गाय को जिन्होंने मारे, उनकी मंदिरों में कलकत्ता में बहुत जो पूजा होती है हर जगह उनकी जो पूजा होती है, हाँ ये जो सही कह रहे हैं, जो जो ये धर्म है जो उनके लिए माफ़ी मांगनी सलमान खान को, चाहे आप कीड़ा मार दो, चाहे कुछ मार दो, जानवर मार दो, कुत्ता मार दो, हम सब जो पालते हैं हमारे जानवर से प्यार होता है। मेरा कहने का मतलब ये है सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तक माफ़ी कह रही है, क्यों नहीं माफ़ी मांग रहे हैं आप? चाहे आपका भी कोई मर्जा, चाहे उनमें इतने सिक्योरिटी गार्ड लगे, कल को उन पर हमला हुआ तो उनके सिक्योरिटी गार्ड को, वो तो पैसे के चक्कर में मरेंगे, जो उनका परिवार हो उनको क्या अस्तोत होगा, ये जानवर उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए।